नॉर्थ में ज्यादा सर्दी पड़ती है कंपैरेटिवली पूरे इंडिया के। आदमी देख लो पहले वार्मर पहनता है अंदर, फिर उसके ऊपर शर्ट, फिर हाफ स्वेटर, फिर ऊपर कोट, फिर ऊपर टोपा डाल के निकलता है ना। जब ऐसे लोग जब एयरपोर्ट पे कपड़े उतारते हैं ना चेकिंग करने के लिए, फिर पता चलता है 90 किलो का आदमी है, 35 का है असल में। अच्छा कई लोग सर्दियों में नहाना अवॉइड करते हैं। हाँ। बड़े ऐसे होते हैं, मेरे स्कूल में बड़े थे। हाँ। वो पता चल जाता था खुशबू से कि आ रहे हो। अच्छा नहाना अवॉइड करते, नाखून बढ़ाना शुरू कर देते, उनको पता है 4-5 दिन बाद एक खुजली शुरू हो जाएगी। जैसे हमारे दास दादा ना बाजी, ये तो खुरदरी दीवार ढूंढ के तो लग जाते हैं उसके साथ। दादा रोज नहाया करो आप। दास दादा ये अपने ये नहीं बैठे तबले पे जो। हाँ। ये मेरा भाई महीने में 4 बार अंडरवेयर चेंज करता है। और मैंने कहा बदलता क्यों नहीं है, कहते इसका टेम्परेचर ना बॉडी के टेम्परेचर के साथ सेट हो गया है। कहता भाई 3 दिन में तो गर्म ही होता है, फिर दोबारा ठंडा ठंडा पहनने का दिल नहीं करता। ये पांडे है जो अपना ड्रम वाला, आज बैठा है, इसको मैंने शो में जबरदस्ती बोला कपड़े निकाल, ये बहुत सारे कपड़े पहनता है। शेव कराने गया कटिंग सैलून में, बोलता 10 रुपए ज्यादा दे देना, मफलर के अंदर से शेव कर दे। उसने फिर कर दी, मफलर के अंदर ही कर दी उसने, एक्स्ट्रा लिफाफे में ठुड्डी डाल कर दी। अच्छा बहादुर लोग वो हैं भाजी जो सर्दियों में नहाने की हिम्मत करते हैं एक्चुअली। लेकिन पानी का जो टेम्परेचर सेट करने में टाइम जाता है ना एक आम आदमी का नॉर्थ में। हाँ। वो बड़ा मजेदार किस्सा होता है। एक तो सारे कपड़े निकाल के आप बाथरूम में बैठे हो। हाँ। तो ऊपर से आदमी सर्दी कंट्रोल करने के लिए ना आवाजें निकालता है, ये भी करता है। फिर आदमी पहले तो खोलता हुआ पानी लेके आता टूटी में, गीजर ऑन कर दिया ना, उसमें से पूरा गर्म गर्म पानी निकलता है। हाँ। फिर चेक करना होता है, कभी कैसे चेक करे क्योंकि डर ये कि ज्यादा हाथ ना जल जाए। हाँ। तो फिर पानी के नीचे तलवार चलाते, टूटी चल रही ना टुक 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 टुक, तो तलवार चलाते हैं ऐसे करके चेक करते हैं। उसके बाद बाहर लड़के सब बाइक पे जो जाते हैं वो दस्ताने पहन लेते हैं हाथों में। अच्छा प्रॉब्लम ये दस्ताने पहनने पड़ते हैं, सर्दी बड़ी है, ऊपर से सर्दियों में ना बाथरूम का बड़ा प्रॉब्लम रहता है, और जिस आदमी ने दस्ताने पहने होते ना जिप नहीं खुलती दस्तानों के साथ ना, बड़े सब आदमियों ने अपने अपने ढंग निकाले हुए हैं। फिर एक हाथ का दस्ताना पकड़ते उंगली से ऐसे करके खींचा, फिर उसको ठुड्डी के नीचे लगाया, तो फिर अपना काम करते हैं। अच्छा अच्छा जब आपने यहाँ पे दस्ताना लगाया ना, तो आपका नीचे का दबाव तो कम हो रहा है, ऊपर का बढ़ता जाता है, और क्योंकि उसको भी पता है अगर ठुड्डी जरा सी ढीली हुई दस्ताना भीगने का पूरा चांस है। पर आदमी मैनेज कर लेते हैं। अच्छा बड़े शहरों में तो ये फ्लैट सिस्टम होता है, हर कमरे के साथ अटैच बाथरूम होता है। गांव में जो लोग जाते हैं बाहर, वो तो जंग जीतने के बराबर होता है बाथरूम जाना या बाहर। अभी भी अब तो खैर स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, टॉयलेट जो है हर जगह बनाए जा रहे हैं पूरे देश में, बड़ा अच्छा कदम उठाया जा रहा है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, पर फिर भी अभी भी कुछ गाँव में ऐसी चीजें नहीं, बाथरूम नहीं बने हुए, धीरे धीरे बन जाएंगे। वो जब लोग जाते हैं ना डिब्बा लेके अपना काम करने, वो पाजी एक तो धुंध पड़ी हुई है, ऊपर से खुले खेत, वहां पे और ज्यादा सर्दी लगती है। वहां पे जाके आप जब अपना काम करना शुरू करते हो तो जितना भी आपका बॉडी का हिस्सा एक्सपोज होता है वो 5 मिनट या 6 मिनट इतना सुन्न हो जाता है, उसके बाद 10 इंजेक्शन लगा दो उसको खबर ही नहीं लगती। अच्छा मौसम बदलते टीवी पे आने वाले ऐड बदल जाते हैं। हाँ। है ना जैसे गर्मियां होती है साबुन की ऐड बड़ी आती है। हाँ। एक सुंदर सी लड़की टब में लेटी होती जाग ही जाग, धीरे से पैर निकालती फिर घुटना, आपकी सुंदर त्वचा के लिए ये लीजिए साबुन। जो आदमी ऐड देख रहा साबुन की, वो खूबसूरत लड़की को देख के अपनी बीवी को कोसता रहा, तू भी नहा लिया कर मर ले कभी। अच्छा कहीं को आदत होती है कि बिल्कुल ड्राई स्किन बर्दाश्त नहीं करते, थोड़ा सा लिप बाम लगा लिया और हाथों में ऐसे ऐसे करते रहते, कहीं मेरे जैसे गलत समझ लेते कि क्या कर रही है। अच्छा सर्दियों में लोगों को गर्म गर्म खाने की बड़ी आदत होती है। हाँ। अब गर्म गर्म कोफ्ता मुंह में डाल लिया, कोफ्ते के अंदर जो आलू है वो और गर्म निकलता है, फिर आदमी का फेंकने का दिल नहीं करता, फिर एडजस्ट करके आते। कई बार ना मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फिर हाथ में ले लेते एक आधा। सर्दियां शुरू होते ही ना स्वेटर शॉल मफलर कंबल सबको ऐसे धूप दिखाते जैसे हमसे ज्यादा सर्दी इनको लग रही है। और जैसे ही आप पेटी से बाहर कपड़े निकालते हैं पुरानी जैकेट ये वो, तो कॉकरोच अंदर से निकलते हैं, आंखों में हाथ रख के धूप पड़ती ना ऐसे करके निकलते, ये आज हमें क्या दिखा दिया। कई लोग तो धूप नहीं लगवाते ऐसे पहन लेते हैं, कई लोगों को नहीं होता कि यार नहीं सर्दी लग रही पहन लो, फिर उनके फिनाइल्स गोली की खुशबू आती है। वो तो चलो अच्छी बात है कि सर्दियों में सबके नाक बंद होते हैं, नहीं तो जिसने पहना खुद ही बेहोश होकर मर जाए, इतनी गंदी स्मेल होती है। अच्छा कड़ाके की ठंड के बावजूद भी कई लड़कियां बड़ी डेडिकेटेड होती हैं। अच्छा सुबह 6 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक पे जाती हैं, उनसे भी ज्यादा डेडिकेटेड लड़के जो 5:30 बैठे रहते हैं उनको ताड़ने के लिए। अच्छा ऐसे लड़कों की जब शादी हो जाती ना तो शादी के बाद लड़की तो 10 बजे तक सो रही है,
ये सुबह उठ के ना 6 बजे बंदर टोपी पहनकर शॉल लेके दूध लेने जा रहा होता है आदमी, तो जो गाय भैंस बंदी वो भी चिढ़ाती है, और कर शादी। अच्छा लंदन वगैरह में जब सर्दी पड़ती है ना, वहां के लोग बड़े स्टाइलिश हो जाते हैं, लॉन्ग बूट, जीन्स टाइट, ये वो, कोट हैट डाल लेते सर पे। हमारे यहाँ इतना होता नहीं है कि बंदर टोपी पहननी, पूरी की पूरी रजाई ओढ़ के निकल जाते बाहर। और फिर देसी के 2 पैग मार के ना वहां पे अंगीठी सेक रहे होते हैं, फिर जब जैसे 3-4 पैग अंदर रहते हैं बातें बड़ी बड़ी बाहर आती हैं। भाई साहब देखना काला धन तो आएगा बाहर। फिर 4 पैग और अंदर जाते हैं, काला धन आना ही चाहिए बाहर। 2 और गए लेकिन जिन लेडीज ने नई नई साड़ियां बनवाई होती डिजाइनर साड़ियां, उनको बड़ा गुस्सा आता है, उसको चिढ़ाती है उनको, क्योंकि ऊपर से आपको शॉल लेनी पड़ती है, फिर सारी साड़ी तो ढक गई। फिर ये क्या करती है, पूरा शॉल लेके बैठी रहती है, जैसे बारात आ गई ना तो शॉल उतार के पति को दे देती है, जिसने पहले से बच्चा उठाया होता है वो फिर शॉल भी पकड़ लेता है। तो बीवी अपनी साड़ी सी पहन के जीजा जी आ गए ये तो। अच्छा थोड़ी देर तो लेडीज हिम्मत करके ग्राउंड में घूम लेती ना, साड़ी पीछे बैकलेस पे, सो आप इस तरफ क्या लगाया, उन्होंने साड़ी दिखाने जाना होता था, इस तरफ क्या है बालूशाही, ओके। धीरे धीरे जब ओस पड़नी शुरू होती ना, फिर ये सीधा ही वहां पहुंचती जहां फेरे हो रहे होते ना, आग जल रही होती है, पंडित जी के पास जाके बैठ जाती फिर। और इनका कोई धार्मिक होने का मंत्र सुनने का दिल नहीं करता भी। अरे सर्दियों की शादी में पंडित भी जल्दी शुरू कर देते फेरे, क्योंकि उनको भी पता होता है कि धोती पतली है। कि सर्दी अगर खतरे के निशान से ऊपर चली गई तो ये उनका आखिरी फंक्शन भी हो सकता है। अच्छा कई बच्चे बड़े बदमाश होते हैं, जिस कमरे में माँ बाप सो रहे ना उनको पंखा चला जाते हैं भरी सर्दी में। उनकी हरकत की वजह से ना जायदाद का एक हिस्सेदार और आ जाता है फिर। दिस वाज फनी। सर्दियों के दिनों में ना खुले खुले मैदान जो होते हैं, कवि सम्मेलन करवाए जाते हैं, तो सर्दियों में जोश लाने के लिए ना कुछ वीर रस के कवि सरहद पे जाके मरने की बातें करते हैं, मरने मारने की कविताएं, जैसे उतर के नीचे आएंगे निमोनिया हो जाता है। फिर हॉस्पिटल में पता लेने जाए, प्रोग्राम पकड़ लिया, 1800 रुपया दिया है, 2000 मेरा लग गया। सर्दियों में खाना खाने का बड़ा मजा आता है, तरह तरह के पराठे बनते ना, आलू का, प्याज का, गोभी का, मक्खन डाल के, मूली के पराठे। अरे जो मूली वाले खाता है सबसे ज्यादा रजाई वही गर्म करता है। अरे सर्दियों में ना बुखार जुकाम बड़ा होता है, तो ऐसे में बड़े बुजुर्ग ऐसे बड़े ऐसे वेले होते डॉक्टर ना, जो सलाह देने लगते हैं, काका जुकाम है, थोड़ी सी हल्दी लो, सौंठ लो, तुलसी के पत्ते लो, अदरक लो, काली मिर्च लो, इतना सा काला नमक लो। आदमी बोलता है चाचा पहले रुमाल लो, खर्च करके खत्म करो काम ना, क्या कर रहे हो। शादी दिसंबर में हुई थी आपकी? हाँ सर। अमृतसर गए होंगे बारात लेके? सर हाँ सर। तो वहाँ पे तो दूल्हा सिकुड़ गया होगा पूरा है? सर बहुत बुरा हाल था सर, ठंडी में तो उधर घर से रजाई से बाहर आने का मन ही नहीं करता था सर। नहीं पहले 2-3 साल तो आने का दिल भी नहीं करता। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates